तो अपने सामने खड़ी है होंडा एसटी 125, हाजिर है अलग अलग अवतार के साथ। और ये वाइजर ऐसा है, एकमात्र वाइजर जो आपके ओरिजिनल वाले वाइजर के ऊपर आ जाता है, यानी कि ओरिजिनल वाला हटाना नहीं पड़ता, उसके ऊपर से ही फिटिंग आ जाती है। यहाँ पर हैंड गार्ड है जो कि आगे पीछे आप इसको कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और इस एलईडी बल्ब के अंदर भी छोटे छोटे 40-50 एलईडी बल्ब है जो, और गोल्डन कलर के यहाँ पर लगाए गए लीवर एंड क्लच, जिसको आप अपनी फिंगर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखो नंबरिंग दे रखी 6 तक, कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। देखो यहाँ से फॉग लाइट हमें आपको दिखाई थी, उसके ऊपर यहाँ आपको देखने को मिल जाता है बॉडी इंडिकेटर। सो गाइस देखते हो अपने सामने खड़ी है होंडा एसटी 125, और आप लोगों को पता है कि जब मैं किसी चीज़ की वीडियो बनाना शुरू करता हूँ तो उसकी इतनी बना देता हूँ जब तक कि लोग ये ना बोलने लगे बस करो अब। तो देखो एक के बाद एक होंडा एसटी आपके लिए हाजिर है अलग अलग अवतार के साथ। तो देखो यहाँ पर ये वही है जो लास्ट आपने देखी थी अपनी वाइजर वाली, लेकिन वाइजर में क्या है, कुछ वाइजर में ग्राफिक के काम कर दिए जाते हैं, कुछ वाइजर को सिंपल रखा जाता है। और ये वाइजर ऐसा है, एकमात्र वाइजर जो आपकी ओरिजिनल वाले वाइजर के ऊपर आ जाता है, यानी कि ओरिजिनल वाला हटाना नहीं पड़ता, उसके ऊपर से ही फिटिंग आ जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त। और आगे का जो लुक है लाइक डोमिनोर 400 की तरह बन जाता है, यानी कि मतलब किसी बाइक का मैं क्या नाम लूँ, ऑल ओवर जो कॉन्सेप्ट बाहर का है ना, फ्रंट का इसका ये काफ़ी ज़्यादा बल्कि लगता है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है इसका वाइजर का। यहाँ पर हैंड गार्ड है जो कि आगे पीछे आप इसको कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इसमें आपको दो लाइटें मिलती हैं, चाबी ऑन पे वाइट है और इंडिकेटर पे येलो है गाइस। साथ ही में सिमटेक का हैजार्ड इसमें लगा रखा है, जिसमें आपको 40-50 तरीके के पैटर्न मिल रहे हैं साथ में। और पैटर्न को एक्टिवेट करने के लिए आप इस स्विच को यूज़ कर सकते हो, लेफ्ट राइट बीच प्रेस या राइट लेफ्ट बीच प्रेस कर सकते हो। साथ ही में इसमें हैलोजन बल्ब हटाकर एलईडी बल्ब लगा रखे हैं, ये देखो। और इस एलईडी बल्ब के अंदर भी छोटे छोटे 40-50 एलईडी बल्ब हैं जो कि आप देख सकते हो, यानी कि फोकस इसका काफ़ी हाई होने वाला है। यहाँ पर इसकी हैंड ग्रिप भी चेंज की गई है, ये देखो गाइस, और काफ़ी कंफर्टेबल है, फैंसी नहीं है, और आपकी बाइक से स्टॉक वाली जो आती है उससे मैच है, तो ये देख सकते हो। और गोल्डन कलर के यहाँ पर लगाए गए लीवर एंड क्लच, जिसको आप अपनी फिंगर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखो नंबरिंग दे रखी 6 तक, तो इस तरीके से आप इसको स्विच कर सकते हो, और काफ़ी बेस्ट है ये देखो। कलर इसमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं, गोल्डन आप देख सकते हो, सिल्वर मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, बाकी गोल्डन काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल अलग सा है। यहाँ मोबाइल होल्डर ये पहले से इंस्टॉल कर रखा था, बाकी यहाँ पर स्विच आपको देखने को मिल जाता है मेटल का, जिससे एक स्विच से आप दोनों लाइटें कंट्रोल कर सकते हो। वो लाइटें कौन सी हैं, वो लाइटें हैं फॉग लाइट, छोटी सी है, छोटा पे बड़ा धमाका, फोकस इसका बहुत ज़्यादा होता है। दिखाता हूँ मैं एक बार फोकस आपको इसका, देखो वैसे काफ़ी ज़्यादा लाइटों का काम हो रखा है, लेकिन सीधे राजाई के ऊपर मारता हूँ मैं। देखो ये येलो का शेड है इसका, और ये है इसका वाइट का, और अभी दुकान के अंदर है, रात में जब इसको जलाओगे आप तो बहुत ज़्यादा हाई इसका जो है लाइट रहता है, कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। देखो यहाँ से इसका यहाँ पर ग्राफिक कर दिए हैं जो कि आप देख सकते हो, वाइट कलर के काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। फॉक्स स्लाइडर, शॉकर प्रोटेक्टर, डिस्क मडगार्ड सेफ, अगर इसको लगा डाला तो लेटेस्ट कलर है, लेटेस्ट डिजाइन है, रेनबो में है, आप देख सकते हो लाइक जो बुलेट्स है ना उसका डिजाइन यहाँ पर दे रखा है। और जो फॉग लाइट हमें आपको दिखाई थी उसके ऊपर यहाँ आपको देखने को मिल जाता है बॉडी इंडिकेटर। में फॉग लाइट पहले ऑफ कर देता हूँ, ये देखो ये ब्लू है, इसमें आपको वाइट मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, ये ब्लू और येलो है, यानी कि इंडिकेटर पर येलो है, चाबी ऑन पर और ब्रेक पर आप चाहो तो इसको ब्लू या रेड करा सकते हो। तो ये उस तरीके से आ रहा है, ये जो पार्ट है इसका एसपी का, तो इसी पार्ट पे लगा दिया गया बिल्कुल ऐसा जैसे कि कंपनी ने लगा कर दिया हो, ये देखो फालतू नहीं लग रहा। ग्राफिक यहाँ भी आप देख सकते हो और इस तरफ से भी आप देख सकते हो इसका लुक कैसा आ रहा है। और हैंडल बार आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से काफ़ी बल्कि वाला आ रहा है। बात करता हूँ मिरर की, जो KTM के मिरर आपने देखे होंगे स्टाइलिश वाले, बट वो सिंपल रहते हैं, इसमें आपको लाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इससे पहले काफ़ी सारे मैंने डिज़ाइन आपको दिखाए थे, ये बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन है, यहाँ से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये इसके पीछे इंडिकेटर भी है, लेकिन पीछे वाले को पता चल जाएगा कि बंदे ने किस साइड का इंडिकेटर दे रखा है। काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। और ये जो इंडिकेटर का फोकस है इतना हाई है जो कि आप मैं आपको देखने से पता चल रहा होगा। इस अभी देखो यहाँ पर लाइटें चल रही हैं, अंधेरे में जब आप यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा इसका जो है फोकस और ब्राइटनेस है। बैक साइड में लगाया गया टायर हैगर विद रिफ्लेक्टर्स के साथ, ये देखो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। बेसिकली क्या होता है, जो इस जगह पर मिट्टी आ जाती है ना, तो इस मिट्टी से निजात पाने के लिए आप इस तरीके के ऑप्शन पे जा सकते हो। टायर अगर काफ़ी सारे आते हैं बट ये काफ़ी बेस्ट है, और आपकी जो बाइक से प्रॉपर तरीके से मैच किया गया भी होगा यहाँ से कवर। तो ये सब मॉडिफिकेशन थी, बाकी मेरे चैनल पर आप जाके देखोगे तो आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी होंडा एसपी 125। सो जैसा कि आपने वीडियो देखी होंडा एसपी 125 की मॉडिफिकेशन और एक्सेसरी जो हमने आपको दिखाई, और आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियो हम दिखा भी चुके हैं, तो बात करते हैं कस्टमर का रिव्यू की कि ये कैसे आए हो, यहाँ पर काम कैसा लगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि फ्यूचर में जब भी आप आने की प्लानिंग करो तो आप लोगों को पता रहे कि काम कैसा होता है, प्राइसिंग वगैरह भी हो सकता है, थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगी, और टोटल मिला के बात करने क्या है। बाकी राजू भाई आप ही करो बात।
राजेश बात करेंगे फिर मुझे कंफ्यूज कर रहे थे भाई है मेरे पास उनके लिए। तो भैया आप कहाँ से हैं? मैं गुड़गांव से आया हूँ, मेरा नाम विभू है और मैं होंडा की मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे आया था। काफ़ी वीडियोस देखी थी मैंने यूट्यूब पे, तो इनकी बेस्ट मुझे मॉडिफिकेशन लगी इसलिए मैं यहाँ पे आया। तो अभी काम ऑलमोस्ट हो चुका है सारा, आपको ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं, तो काम कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा और पूरा परफेक्शन से किया सारा कुछ, कटिंग भी अच्छे से किया और हमारा आपकी तार वगैरह कट हुई या कुछ इस तरह के काम जैसे मन में होता है ना, नई गाड़ी है खराब ना हो जाए इस तरह का? ऐसे कुछ नहीं कट हुआ, बिल्कुल प्रिसाइज कट हुआ है, बिल्कुल कंपनी वाला जैसे कट होता है वैसे ही पूरा कंपनी फिटेड जैसा लग रहा है पूरा सारा कुछ। कितने दिन पुरानी बाइक है आपकी? 6-7 महीने। आप सोच करके आए थे कि क्या क्या कराना चाहते हैं? मैं सोच के आया था कि मुझे क्या क्या करवाना है सारा कुछ, क्योंकि सारी अच्छा, वीडियोस के टी एम इंडिकेटर फर्स्ट हमने लगाया है, हमने लगाया फर्स्ट, आपने सिर्फ के टी एम बोला। हाँ जी, हमने इसमें लाइटिंग भी दे दी, बिल्कुल लेटेस्ट काम है। हाँ जी, ये बिल्कुल लेटेस्ट काम है, बिल्कुल ये अभी तक किसी एस पी में नहीं है, आपकी फर्स्ट है। ये आपकी कहते हैं आपकी फर्स्ट है और आपकी देखकर अब सेल बढ़ेगी, इसीलिए हमारा मकसद ही था कि वीडियो बनाए इसके ताकि हम लोगों को भी शेयर करें, वरना आप लोग ले आते तो फिर खत्म हो जाए। तो रास्ते मिल गया तो आपने पूछ लिया, अब यूट्यूब पे गया हर बंदा देख लेता है इसको, तो ये भी एक चीज़ है। तो आपको काम तो अच्छा लगे साथ में, हमारा और हमारे स्टाफ का बिहेवियर वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं मिसबिहेव से कोई प्रॉब्लम? सब बहुत अच्छे इस तरीके की, सब बहुत अच्छे थे, सब ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया, यहां से बड़ा बल्कि बना रहे हो और बिल्कुल टूरिंग बाइक लग रही है बस आपकी वजह। तो वो देखो भैया की, भैया का रिव्यू हम रियर व्यू हम इसलिए देते हैं कि आप लोगों को सहूलियत मिले समझने की, कि हमारे यहाँ खाली बोलते नहीं, हम काम करके भी दिखाते हैं। और बाकी हमारे सिकंदर भी कुछ कहना चाहते हैं? बाकी यहाँ पर जब भी आप आओगे तो आप लोगों को एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पर बहुत सारे बंदे ऐसे मिलते हैं कि आओ भैया यही एसकेडी है, या जो भी आप नाम लोगे हाँ यही हमारी शॉप है, एसकेडी का बोर्ड पढ़ लेना, लोकेशन डिस्कशन में एड्रेस उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर ताकि आप लोगों को ईजी रहे। और आने वाले टाइम में हमारे हर बंदे को एक एसकेडी की टी शर्ट आप पहने हुए देखोगे, क्योंकि अभी नई नई ओपनिंग है तो सब कुछ सेटअप नहीं हो पा रहा, क्योंकि दुकान भी आप देखते हो पूरी तरीके से सेट नहीं है। बस ये सब मैं कहना चाह रहा हूँ, बाकी कुछ और थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत से लोग एसकेडी बाइक वर्ल्ड के चैनल से आते हैं तो उनको क्या लगता है इस वाली शॉप पर हमने लिखवा बोर्ड पे लिखवा रखा है जो पुरानी शॉप है हमारी, उस पर कोई नया बंदा आता है तो उसको ये डर लगता है कि यार राजू भाई भी नहीं है, सिकंदर भाई भी नहीं है, और हमारे लड़के जैसे वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो लड़कों से पूछते हैं कि वो क्या बताते जरूर होंगे दूसरी शॉप पर, बट किसी को विश्वास नहीं होता क्योंकि हमने अभी यहाँ पर रिसेंटली ओपन करी है, तो मैं और भाई हम दोनों यहीं होते हैं, हम वहाँ होते नहीं। तो अगर यहाँ विजिट करें यहाँ भी विजिट कर सकते हैं, और वहाँ चाहें तो वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, बाकी आप कॉल करोगे तो जगह पे आ जाएंगे। हाँ, कॉल जहाँ करो वहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसी कोई टेंशन है कि नहीं जी हम यहाँ खड़े हैं आपको कहीं नहीं जी आप आना नहीं चाहते, हम कहें नहीं यहीं आओ आप जाओ हम चले जाएंगे कोई दिक्कत, लेकिन आपको कॉल करनी पड़ेगी शॉप पर, लड़कों से लड़के भी कॉल कर देंगे, हमारा जो स्टाफ होगा वो आगे आने वाले बता देगा टी शर्ट पहने चाहे वो यहाँ हो चाहे दूसरी शॉप पर हो, तो ये कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हो जाएगी। और बाकी एसकेडी बाइक वर्ल्ड चैनल जो है, चैनल का नाम ही हमने ऊपर लिखा हुआ है एसकेडी, तो उस चैनल के नाम से शॉप है, ये ना सोचे कि एसकेडी बाइक वर्ल्ड पूरा होना चाहिए, मेन एसकेडी है, मेन एसकेडी है, एसकेडी बड़ा बड़ा कैपिटल बोर्ड का हमने सब देते हैं साथ में, तो पता होगा कि हमारा बोर्ड और बोर्ड ही हमारी बजाय हम तो कह रही हैं जो भी हैं। तो ये था आज की वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक, तब तक के लिए जय भारत।